Assalamualaikum everyone, this is Bilal Babri Wali Sarkar और ये है VWX Extra का 42nd episode। मुझे पता है कि 42 को 42nd कहते हैं और आज के episode में जो खबरें हैं बहुत crazy हैं। Although मैं थोड़ा late आ रहा हूँ, उसकी reason ये है कि आज हमने अपने main channel पर एक ऐसे cell phone की unboxing की है जो कि पूरी दुनिया में सबसे पहले हमने शो आउट किया है YouTube पे, तो दिस इज अ बिग डील फॉर मी। हाउएवर मैं यहाँ पर ये चीज भी बताना चाहूंगा, जब बंदे को शोखी मारनी होती है ना तो साथ कुछ रियलिटीज भी बतानी चाहिए। मैं जब छोटा था ना, मैं हमेशा सोचा करता था कि लोग इतने मैचिंग कपड़े पहनते हैं, इतने शोख रंग पहनते हैं, लाइक मुझे हमेशा ब्लैक और ब्लू और ग्रे शर्ट्स वगैरह पसंद होती थी, तो ये किस तरह कर लेते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना किसी को बात नहीं करनी चाहिए। मेरे फ़ोन का कलर गोल्ड है, मेरे पास जो घड़ी है वो नीले रंग में है, और मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि मेरे पास जो एयरपॉड्स हैं, ये जो यूज़ कर रहा हूँ मैं आजकल बर्ड्स बीट्स के, ये रेड हैं। तो कभी भी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, आपके सामने चीज़ें आ जाती हैं। खैर, आज हमारे पास खबरें बहुत इंटरेस्टिंग हैं तो हम मजाक नहीं बनाते, हम खबरों की तरफ चलते हैं। और पहली खबर जो आ रही है ये Redmi की तरफ से आ रही है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर Xiaomi की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इंटरनेशनल, वो मैंने ओपन की हुई है। उसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पर मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाना चाहूँगा जिसका नाम है Redmi Buds 3 Pro। ये जो प्रोडक्ट है ये Redmi के जो लेटेस्ट बर्ड्स हैं उनका मेरे ख्याल से मिड टीयर वर्जन हम कह सकते हैं इसको। और इसके अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिल रही है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, बिकॉज जनरली Redmi बर्ड्स जब भी हमारे दिमाग में आते हैं तो वो 2-3 हज़ार रुपये 4 हज़ार रुपये वाली प्रोडक्ट होती है। बट दिस इज अ प्रीमियम प्रोडक्ट और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये बहुत ही जल्दी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ऑफिशियली लॉन्च होंगे, तो आप लोगों ने इसका सिर्फ वेट करना है, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है देखने में भी अगर आप देखते हैं ना तो बहुत डिसेंट लुक प्रोवाइड कर रही है। और मुझसे मत पूछिएगा मुझे पता कैसे है, लेकिन इसकी जो हैंड फील है ना वो भी बहुत मज़ेदार है, लाइक ये बहुत सॉफ्ट है जब आप इसको पकड़ते हैं। और ये भी मुझसे मत पूछिएगा कि मुझे पता कैसे है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि बहुत जल्दी जो है ये आने वाली है। एक और चीज़ जो कि इसके बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि ये फास्ट चार्जिंग और फास्ट वायरलेस चार्जिंग दोनों सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको दोनों जो चार्जिंग ऑप्शन हैं वो मिल जाएंगी। और ये काफ़ी हद तक आपको वो सारे फीचर्स प्रोवाइड करती है जो कि एक टॉप एंड ईयरबड से आप मांग सकते हैं। इन ईयर डिटेक्शन और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कुछ यहाँ पर हैं। इसके अंदर फाइंड योर ईयरफोन्स की ऑप्शन भी है, तो अगर आपके ईयरफोन्स ब्लूटूथ रेंज के अंदर है तो आप उनको लोकेट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये शोर डालने लग जाएगी आप जैसे ही इसका फाइंड माई ऑन करेंगे। तो फीचर काफ़ी मज़ेदार है, देखते हैं पाकिस्तानी मार्केट में कितनी जल्दी आती है और किस प्राइस टैग में आती है, क्योंकि इस तरह की जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनके लिए प्राइस टैग का अच्छा होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन मुझे ये बात पता है कि पाकिस्तानी मार्केट जो है इसमें ईयरबड्स एटलीस्ट एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग मल्टीपल ईयरबड्स लेकर फिर रहे होते हैं। मेरे अपने पास 3-4 हैं, तो ये जो है प्रोडक्ट मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे सामने आ रही है बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की न्यूज़ है, और ये न्यूज़ आ रही है वीवो की तरफ से। नाउ यू टॉक अबाउट वीवो, तो वीवो बड़ी एक अजीब सी पोजीशन पे है इस पॉइंट पर। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप वीवो को देखते हैं पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, तो जनरली वीवो उतना एक्साइटिंग ब्रांड नहीं रह गया जितना वीवो हुआ करता था। लाइक उनकी वी सीरीज़ बेहतर है, लेकिन अभी भी आप ये नहीं कह सकते कि वो बहुत बेहतर है। और उसके अलावा एक और चीज़ जो कि बड़ी यूनिक है वो ये है कि वीवो के अंदर इंटरनेशनली तो ये बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ें कर रहे होते हैं, पाकिस्तानी मार्केट में वो नहीं आती। यहाँ वी सीरीज़ और वाई सीरीज़ से ही लोगों को खुश रखा जाता है, लेकिन वीवो ने एक रिसेंटली पेटेंट किया है जहाँ पर मल्टीपल पॉपअप कैमराज जो हैं वो दिखाए जा रहे हैं। तो बेसिकली ये जो मोबाइल फ़ोन है इसके अंदर जब कैमराज बंद आप करेंगे तो कोई भी कैमरा शो नहीं होगा, और जैसे ही आप कैमराज को यूज़ करना चाहेंगे तो मल्टीपल पॉपअप कैमराज जो है वो बाहर आ जाएंगे। इससे पहले हम सिंगल पॉपअप कैमरा ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन अब ये मल्टीपल पॉपअप कैमरा का जो कॉन्सेप्ट है हमारे सामने आया है, और ये देखने में बहुत ज़्यादा यूनिक लुक जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। ऑब्वियसली जो फ्रंट स्क्रीन है वो तो ये सारी बनाई गई है रेंडर के तौर पर, तो चीज़ें चेंज हो सकती हैं, लेकिन आप देख सकते हैं जो कैमरा सिचुएशन है बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसका एग्जैक्टली क्या यूज़ होगा वो नहीं मुझे पता, लेकिन वीवो ने इससे पहले भी काफ़ी ऐसे पेटेंट बनाए हैं जो कि जब उनने पेटेंट किए थे उस टाइम पर लोग सोच रहे थे कि यार इसका क्या सेंस बनती है, और बाद में जब टेक्नोलॉजी बेहतर हुई तो उस पॉइंट पर ये बहुत अच्छी चीज़ बन गए। तो इस तरह की चीज़ें ये करते रहते हैं, एंड दिस आई रियली लाइक के उनने एक नई चीज़ करने की कोशिश की है। बट प्लीज़ ब्रिंग इट टू पाकिस्तान, हमें वाई सीरीज़ के चक्करों से निकालो यार, ब्रिंग समथिंग गुड और ओवर प्राइस ना हो प्लीज़। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे सामने आ रही है वो उसी फ़ोन के रिलेटेड है जिसके बारे में बात कर रहा था वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में, और वो है रियलमी का मैग्नेटिक इनोवेशन इवेंट। बेसिकली यहाँ पर एक दो टेक्नोलॉजी शो की गई हैं और एक दो डिवाइसेस भी दिखाई गई हैं। यहाँ पर रियलमी ने अपना रियलमी फ्लैश जो मोबाइल फ़ोन है
वो शो किया है। इसकी मुकम्मल अनबॉक्सिंग मैं अपने चैनल पे लगा चुका हूँ, तो आप इसकी पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। लेकिन ये दुनिया का पहला सेलफोन है जो कि एंड्रॉयड होने के साथ साथ आपको मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग भी प्रोवाइड कर रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने आईफोन के अंदर बैक पर मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग देखी है, लेकिन यहाँ पर 15 वॉट है, इस मोबाइल फोन के अंदर 50 वॉट की चार्जिंग दी गई है। इसके अलावा नया चार्जर भी एक लॉन्च हुआ है जो कि काफ़ी पतला है। उसके अलावा कुछ एक्सेसरीज भी आई हैं, जैसे ये रियलमी मैग डार्ट वॉलेट है जिसको आप देख सकते हैं कि वो आपके फ़ोन के बैक साइड पर ही लग जाएगा, तो एज अ वॉलेट भी काम कर लेगा और एज अ स्टैंड भी काम कर लेगा। इसके अलावा एक पावर बैंक भी है जो इन्हें लॉन्च किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मेरा पावर बैंक था वो मेरे कस्टम वालों ने निकाल लिया था, तो मुझे पावर बैंक नहीं मिला, मेरे वो डब्बे में वो जगह ही खाली है। तो जाकर मुकम्मल अनबॉक्सिंग जो है ना वो मेन चैनल पे देख लो। ये मोबाइल फ़ोन बहुत इंटरेस्टिंग है, ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट फ़ोन है, जिसका मतलब ये है कि कोई ख़रीद नहीं सकता इस मोबाइल फ़ोन को, ये सिर्फ इस टेक्नोलॉजी को दिखाने के लिए बनाया गया है। लेकिन फ्यूचर में जो रियलमी की टीम है वो ये कह रही थी कि 2022 में इस टेक्नोलॉजी के साथ जो डिवाइसेस हैं वो हम मार्केट में देना स्टार्ट कर देंगे। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जल्द ही ये टेक्नोलॉजी हमें दूसरे फोन्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी। ओके, रियलमी की बात हो रही है तो ओप्पो का नाम हम क्यों नहीं लेंगे भाई, ओप्पो का नाम भी लेंगे। और जैसे वीवो ने हमें मूविंग कैमराज में एक नई चीज़ दी है, ओप्पो ने हमें सेकेंड जनरेशन प्रोवाइड की है अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी की। बेसिकली यहाँ पर उनने ये कहा तो ये है कि अगस्त 4 को हम दिखाएंगे, लेकिन अंडर डिस्प्ले जो कैमराज हैं ये ओप्पो पहले भी दिखा चुका है, और 2019 के अंदर उन्होंने दिखाए थे, लेकिन अब उसकी सेकंड जनरेशन ये दिखा रहे हैं। अब जिनको नहीं पता अंडर डिस्प्ले कैमराज क्या होते हैं, तो एक पॉइंट था कि हमारे स्क्रीन के ऊपर पूरे कैमरा लगे होते थे, उसके बाद आईफोन आया तो इसने नॉच देनी स्टार्ट कर दी। उसके बाद एक पॉइंट आया, डिफरेंट कंपनीज ने कहा कि हम पंच होल देना शुरू करेंगे, तो ऊपर वाली साइड पर एक सुराख है जिसमें कैमरा होता है। उसके बाद जो अब नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको अंडर डिस्प्ले कैमरा कहा जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि जो कैमरा है वो स्क्रीन के नीचे होगा, तो जब आप उसको यूज़ नहीं कर रहे वो नज़र भी नहीं आएगा, आपको ऐसे लगेगा कि वो सिर्फ स्क्रीन ही है। जैसे आप उसको ऑन करेंगे वहाँ से जो स्क्रीन है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, और उसके बाद आपका जो कैमरा है वो काम करने लग जाएगा। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि आप देख रहे हैं कैमरा स्क्रीन के पीछे है, तो जब स्क्रीन ट्रांसपेरेंट हो भी जाती है ना तब भी क्वालिटी लॉस होती है, क्योंकि लाइट जब इसके अंदर से गुजरनी है तो वो थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। देखते हैं कि अब जो नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं उसमें क्वालिटी कितनी बेहतर हुई है, लेकिन अभी तक जितनी भी कंपनीज ने ये काम किया है वो सब थोड़ा सा क्वालिटी लॉस ज़रूर फेस करती हैं। यहाँ पर एक और चीज़ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि ये एग्जॉन 30 है जो कि लास्ट मंथ ही लॉन्च किया है ZTE ने। बाय द वे ZTE पहली कंपनी थी जिसने इस टेक्नोलॉजी को दिया था। ये जो मोबाइल फ़ोन है ये पाकिस्तान में ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, मैंने वीडियो में पूछा, आपने कहा हाँ ये आना चाहिए, तो इसकी अनबॉक्सिंग भी जल्दी मेन चैनल पे आ जाएगी। तो बहुत एक्साइटिंग चीज़ें जो हैं वो मेन चैनल पे आ रही हैं। नेक्स्ट अप जो खबर हमारे सामने यहाँ पर आ रही है वो गूगल के रिलेटेड है, और ये खबर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वेल, आप लोगों को ये बात पता है कि आईफोन के अंदर आईफोन की सॉफ्टवेयर भी एप्पल बनाता है और उसका प्रोसेसर भी एप्पल बनाता है, जिसकी वजह से हमेशा आईफोन्स में एक तो सॉफ्टवेयर अपडेट ज़्यादा आती है क्योंकि कंपनी को पता होता है कि उनका प्रोसेसर कितना चलेगा, दूसरा एप्पल के अंदर जब भी कोई नया फीचर आता है वो बड़े अच्छे तरीके से काम करता है क्योंकि कंपनी ऊपर से लेकर नीचे सब कुछ खुद बना रही होती है। वेल, गूगल भी अब यही करने वाली है, और गूगल की अपकमिंग डिवाइसेस जिसमें गूगल 6 और 6 प्रो होंगे, पिक्सल 6 और पिक्सल 6 प्रो, वो दोनों फोन्स ही गूगल की अपनी चिप जिसको गूगल टेंसर कह रहा है उसके साथ आएंगे, और ये जो चिप है इसके साथ गूगल को परफॉर्मेंस का भी गेन देखने को मिलेगा, गूगल को एफिशिएंसी का भी गेन देखने को मिलेगा, और उसके साथ साथ गूगल काफ़ी ऐसी चीज़ें कर सकेगी जो कि दूसरे फ़ोन्स में अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि गूगल सॉफ्टवेयर भी खुद बना रही है एंड्रॉयड वाली साइट पर, और अब जो हार्डवेयर है वो भी वो खुद ही बना रही होगी। और यहाँ पर मैं ये चीज़ भी इंक्लूड करना चाहूँगा, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि एंड्रॉयड वाले चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट हो, तो फिर आपके मोबाइल फ़ोन पे अपडेट्स क्यों नहीं आती। वेल, उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर लेट से आप कोई भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, सैमसंग का फ़ोन है, तो इसमें जो अपडेट आनी है ये तीन कंपनीज ने डिसाइड करनी है कि आएगी या नहीं आएगी। तो पहली कंपनी तो गूगल खुद है जो एंड्रॉयड बनाती है, उसके बाद आ जाता है सैमसंग जो कि बेसिकली आपका मैन्युफैक्चरर है जो उस अपडेट को आगे पुश करेगा। सैमसंग के केस में ये प्रोसेसर भी खुद बनाते हैं, तो आप बेसिकली दो पार्टी से डील कर रहे हैं, लेकिन वो कंपनीज जो प्रोसेसर किसी और कंपनी का ले रही होती हैं, फॉर एग्जाम्पल स्नैपड्रैगन वगैरह का, तो वहाँ पर एक तीसरा प्लेयर भी इन्वॉल्व हो जाता है जो कि स्नैपड्रैगन की फॉर्म में आता है। तो आपको पहले गूगल से पूछना है, फिर जो भी कंपनी है जिसने उस गूगल का एंड्रॉयड यूज़ किया उससे पूछना है, और उसके बाद आपको उस प्रोसेसर कंपनी से पूछना है कि ये अपडेट हो सकता है या नहीं।
तो यही वजह है कि अगर इन तीनों कंपनीज में से कोई एक भी रह जाती है तो आपको अपडेट नहीं आती, और यही वजह है कि एंड्रॉयड पे जो अपडेट का साइकिल है एक तो स्लो है और दूसरा बहुत कम है। अक्सर औकात फ़ोन सिर्फ इसलिए ज़ाया हो जाते हैं कि उनकी सॉफ्टवेयर पुरानी हो जाती है। नेक्स्ट न्यूज़, बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की न्यूज़ है और स्क्रीन शेयर कर देता हूँ भाई आप लोगों के सामने। अमेज़न जो है वो आपके पाम प्रिंट यानी कि आपकी जो हाथ है उसके प्रिंट के लिए $10 पे करने को तैयार है। तो अगर आप अमेज़न का ये जो नया सिस्टम है इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको $10 का क्रेडिट जो है वो देखने को मिल रहा है। अब ऑब्वियसली अमेज़न तो ये कह रही है कि ये साइन अप बोनस है, लेकिन असल में गेम ये है कि अमेज़न ये चाहती है कि आप एक स्टोर में एंटर हो, आपके हाथ की रीडिंग उनके पास ऑलरेडी हो, आप अपना हाथ रखें, आपको कोई क्रेडिट कार्ड कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना हाथ रखें और आप जो भी सामान है वो अमेज़न के स्टोर से ले जाएं। तो ये बेसिकली इंसान की जो आपस में इंटरेक्शन है वो बिल्कुल ही ख़त्म कर रहे हैं। आप स्टोर में जाएंगे, आपको जो चीज़ चाहिए आप वो उठाएंगे जो कि कैशियरलेस स्टोर होते हैं ऑलरेडी, और उसके बाद आप सिर्फ जाकर जो मशीन है उस पर अपना हाथ रखेंगे। मशीन ऑटोमेटिकली ये भी कैलकुलेट करेगी कि आपने कितने पैसे जो हैं वो खर्चे हैं, और ये भी कैलकुलेट करेगी कि आपके किस अकाउंट से उसको निकालना है, और आप कुछ भी लिए बगैर अपना सामान जो है वो लेकर आ जाएंगे। तो यस, दिस इज़ द फ्यूचर। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या आप एक कंपनी को इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे? क्या आप चाहते हैं कि एक प्राइवेट कंपनी आपके पूरा जो हाथ है उसका पूरा स्कैन अपने पास रखे? क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिग प्राइवेसी रिस्क। लेकिन देन अगेन ऑफिशियल है, अमेज़न कर रहा है तो उसका मतलब है गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है। पाकिस्तान में अमेज़न कब आएगा उस पर सवाल ज़रूर है, लेकिन ये अभी US बेस्ड स्टोर के लिए है ऑफर जो है। नेक्स्ट खबर जो हमारे सामने आ रही है वो Xiaomi के रिलेटेड आ रही है। बेसिकली इस पॉइंट पर Xiaomi भी बहुत जल्द अगर इसी स्पीड से चलता रहा तो नंबर वन स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर बन सकता है। इस पॉइंट पर Samsung है और Samsung और Xiaomi की टक्कर काफ़ी सॉलिड हुई है, और इस पॉइंट पर यूरोप के अंदर जो क्वार्टर टू गया है, साल के 4 क्वार्टर्स होते हैं उनमें जो क्वार्टर टू गया है उसमें Xiaomi नंबर वन बना है। तो दिस इज़ अ वेरी बिग न्यूज़ कि Xiaomi ने नंबर वन की जो पोजीशन है वो ओवरटेक की है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये ऐसे ब्रांड्स नहीं हैं जो जद्दी पुश्ती चलते आ रहे हों, ये हमारे सामने बनने वाली कंपनीज़ हैं जो कि इस टाइम पर दुनिया में नंबर वन पे आ रही हैं। तो दिस इज़ अ बिग थिंग, और इनने जो रिकॉर्ड बनाया है वो 12.7 मिलियन शिपमेंट का है, यानी कि इनने तकरीबन 1,27,00,000 मोबाइल फ़ोन बेचे हैं। 1,27,00,000 मोबाइल फ़ोन इनने एक क्वार्टर में बेचे हैं, तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं, और ये यूरोप के सिर्फ नंबर्स हैं। बाकी जो एशियन कंट्रीज़ हैं जिसमें इंडिया पाकिस्तान आ जाते हैं, जहाँ पर ये ज़्यादा पावरफुल हैं वहाँ पर आप सिनेरियो खुद ही सोच सकते हैं कि क्या होगा। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे सामने आ रही है वो ऑनर के रिलेटेड है, जहाँ पर ऑनर का एक नया मोबाइल फ़ोन जिसका नाम ऑनर X20 है उसकी कुछ लीक्स हमारे सामने आई हैं। अब अगर आप इस मोबाइल फ़ोन के डिज़ाइन लैंग्वेज की बात करते हैं तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑनर के फ़ोन अभी मैं नोटिस कर रहा हूँ कि देखने में काफ़ी ज़्यादा क्लोजली लगते हैं Huawei के फ़ोन से। ऑल दो ये दोनों कंपनीज एंटायरली सेपरेट हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी अगर आप वो डिज़ाइन लैंग्वेज देखते हैं ना, या आप डिसीजन मेकिंग देखते हैं, तो आपको नज़र आता है कि भाई Huawei की वो जो एक छाप है ना वो अभी भी मौजूद है। लेकिन Honor क्योंकि अब Huawei से सेपरेट हो गई है, तो Honor के मोबाइल फ़ोन्स के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि ये Google के साथ शिप हो रहे हैं, तो यहाँ पर Google वगैरह मौजूद है, इन पे वो जो सैंक्शंस वगैरह थी वो नहीं लगी हुई, और ये एज अ सेपरेट ब्रांड काम कर रहे हैं जिस तरह दूसरे चाइनीज़ कंपनीज़ हैं। तो Honor के पाकिस्तान के अंदर आने के चांसेस वापस बहुत ज़्यादा हैं, और अराउंड 2022 के करीब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि Honor अपने मोबाइल फ़ोन जो है वो पाकिस्तान के अंदर दोबारा वापस लेकर आएगा। और अगेन हमेशा की तरह जब भी ये आएंगे हम रेडी बैठे हुए हैं, देखेंगे इनके फ़ोन्स कैसे रहते हैं, लेकिन इनके पास टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी है और Honor हमेशा ही अच्छी प्राइसिंग करता है। तो जो इस टाइम मार्केट में कंपनीज हैं ये टफ टाइम देगा अगर ये वापस आता है, लेकिन देखते हैं कि कब तक आता है और क्या स्पेक्स लेकर आता है। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे सामने आ रही है वो Samsung के रिलेटेड है। अब इस पॉइंट पर सबको पता है कि Samsung 4 डिवाइसेस लॉन्च करने वाली है, जिसमें गैलेक्सी Z Fold 3 है, Z Flip 3 है, गैलेक्सी वॉच 4 है और गैलेक्सी बड्स 2 हैं। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इवेंट जो है अगस्त 11 को होने वाला है, और अगस्त 11 को आप लोगों के लिए मेरे मेन चैनल पर कुछ बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। हम ये जो पूरा इनका लॉन्च इवेंट है इसको लाइव कवर करेंगे, तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज डील। लेकिन अभी क्या हुआ है कि रिसेंटली इवन ब्लास्ट जो कि एक बहुत बड़ा लीकस्टर है, उसने तीनों चारों डिवाइसेस की जो प्राइसिंग है वो लीक कर दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गैलेक्सी Z Fold 3 की जो प्राइस टैग रखी गई है उसके दो मॉडल आ रहे हैं, एक 1899 यूरोस का रखा गया है और एक 2000 यूरोस का रखा गया है। अब यहाँ पर मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये यूरोस हैं और ये जो प्राइसिंग है
ये बहुत ज़्यादा है बिकॉज ये फ़ोन ऑब्वियसली प्रीमियम कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो वो लोग जो कि नोट सीरीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे ये उससे थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। हाउएवर यहाँ पर ये चीज़ भी समझने वाली है कि ये यूरोज़ में है, तो जब ये डॉलर में जाएंगी ये और ज़्यादा हो जाएंगी, और इनकी पाकिस्तान के अंदर क्या बनता है रेट वो देखने में आएगा। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी है कि सैमसंग की पाकिस्तानी प्राइसिंग जनरली डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होती, तो कुछ कंपनीज में ये होता है कि पाकिस्तानी प्राइस ऊपर जाती है, सैमसंग में हमेशा नीचे आती है। एक और चीज़ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि यहाँ पर यह चीज़ भी बताई गई है कि इंटरनली जो गैलेक्सी Z फ्लिप सीरीज़ है उसका नाम B2 रखा गया है, और उसका जो प्राइस टैग है वो 1000 यूरोज़ के करीब रखा गया है। दो मॉडल आ रहे हैं अगेन इसमें भी, तो 256 GB और 128 GB वाले मॉडल्स हैं। इसके अलावा वॉच फोर की जो प्राइसिंग है वो भी हमारे सामने आ गई है, लेकिन देन अगेन ये एक लीक है तो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि मतलब अगर आप मेरे एनालिसिस की बात करते हैं तो मुझे ये लग रहा है कि ये प्राइसिंग नहीं होगी एटलीस्ट पाकिस्तानी मार्केट के लिए, क्योंकि मेरे लिए पाकिस्तानी मार्केट ही मैटर करती है, और मुझे लग रहा है कि ये इंटरनेशनल प्राइसिंग भी नहीं होगी, लेकिन देखने में आएगा कि एक्चुअल प्राइस क्या आती है। सिर्फ यही चीज़ है कि भाई इन डिवाइसेस के लिए मैं इतना एक्साइटेड हूँ ना कि आपको बता नहीं सकता, क्योंकि बड़े अरसे बाद कुछ ऐसा होने जा रहा है जो कि इंडस्ट्री को चेंज करेगा। लाइक वही बोरिंग डिज़ाइन देख देख के ना जान अग गई है। फोल्डेबल फ़ोन पहले भी आ रहे थे, लेकिन इस बार ये जो फोल्डेबल आ रहे हैं ना ये मास मार्केट के लिए आ रहे हैं, ये नॉर्मल लोगों के लिए आ रहे हैं। पहले फोल्डेबल जो आ रहे थे ना, हर बंदा फोल्डेबल रिव्यू करने से पहले बोलता था कि भाई देखो फोल्डेबल फ़ोन है, महंगा है, पसंद आए तो ले लो, लेकिन मतलब ये नॉर्मल बंदे के लिए नहीं है। लेकिन इस बार सैमसंग कोशिश कर रही है कि ऐसी चीज़ें लेकर आई जाएँ जो कि नॉर्मल बंदे को इफेक्ट करें, तो ये जो चीज़ है ना काफ़ी क्रेजी हो सकती है। और मैं ये बता दूं, अगस्त 11 जो है ना उसको कैलेंडर पे लिख लो, बड़ा क्रेजी दिन होने वाला है वो। नेक्स्ट खबर जो हमारे सामने आ रही है वो रियलमी के रिलेटेड है, जहां पर रियलमी का एक टैबलेट जिसका नाम रियलमी पैड है वो लीक हो गया है, और उसका डिज़ाइन जो है आप देख सकते हैं बड़ा इंडस्ट्रियल टाइप का डिज़ाइन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो चीज़ मुझे पसंद आई है इसमें वो ये है कि इसके जो बेजल्स हैं वो चारों किनारों पर बराबर हैं, और उसकी वजह से ये बहुत क्लीन लुक प्रोवाइड कर रहा है। काफ़ी हद तक जो iPad Pro वाली लुक है वो आ रही है। बैक साइड पर जो कैमरा सेटअप है वो एंटायरली डिफरेंट डिज़ाइन में आता है, आप देख सकते हैं एक लाइन गुजर रही है पूरी बॉडी में, और सिंगल कैमरा सेटअप रखा गया है। और इट मेक्स सेंस कि अगर आप टैबलेट बना रहे हो तो उसमें आप सिंगल कैमरा ही लगाओ, क्योंकि कोई भी बंदा टैबलेट तस्वीरें खींचने के लिए नहीं लेता, और टैबलेट का मैक्सिमम जो कैमरा है वो या तो वीडियो कॉलिंग के लिए यूज़ होता है, या फिर आपने कभी किसी को कोई डॉक्यूमेंट भेजनी हो या इस तरह की चीज़ हो, तो उसमें तस्वीर की खूबसूरती या बहुत ज़्यादा डिटेल जो है वो मैटर नहीं करती। एक और चीज़ जो कि यहाँ पर इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इस टैबलेट के अंदर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स और उसके अलावा यूएसबी टाइप सी की पोर्ट देखने को मिलेगी। इसके अंदर जो प्रोसेसर आएगा उसके बारे में हमें एग्जैक्ट जो डिटेल्स हैं वो नहीं प्रोवाइड की गई, बट उम्मीद की जा रही है कि ये किसी अच्छे प्रोसेसर के साथ ही आएगा। और यहाँ पर जो बैक साइड पे कैमरा है उसके बारे में भी यह कहा जा रहा है कि ये जो कैमरा है एक अच्छे सेंसर के साथ आ रहा होगा। दोनों जो सेंसर्स हैं वो रेजोल्यूशन वाइज काफ़ी कम है, 8 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो देखने में आएगा कि इसके अंदर एग्जैक्ट क्या स्पेक्स आती हैं और क्या ये कभी पाकिस्तानी मार्केट में आता है या नहीं आता। बिकॉज मैं बार बार कह चुका हूँ कि लैपटॉप में तो कंपनीज घुस रही हैं, लेकिन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इस टाइम भी टैबलेट स्पेस के अंदर एक बहुत बड़ा एरिया है जो कि कोई भी बंदा जो है ना वो फिल नहीं कर पा रहा, और उसको अगर ये कंपनीज फिल करती हैं तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो टैबलेट खरीद रहे होंगे। नेक्स्ट खबर जो है वो ट्विटर की तरफ से आ रही है, जहां पर ट्विटर ने फाइनली डिसाइड किया है कि वो एसोसिएटेड प्रेस और रियूटर्स के साथ मिलकर डिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ चीज़ें करेंगी। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा फेक न्यूज़ लगाता है या कोई भी ऐसी चीज़ फेक ट्विटर पे पोस्ट करता है जो कि ट्विटर को पता है कि फेक है, तो वो इन कंपनीज के साथ जो कि न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं और पूरी दुनिया में मशहूर हैं, इनके साथ मिलकर बताएगी कि क्या वो खबर सच्ची है या झूठी है। क्योंकि ये बात याद रखें कि जितने भी फेक न्यूज़ के आर्टिकल्स हैं वो ट्विटर के हैशटैग से ही शुरू होते हैं, और ट्विटर पे हमने देखा है कि बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं, तो देखने में आएगा कि कितने हद तक उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। क्योंकि फेसबुक ने इस चीज़ को ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन अभी भी फेसबुक मुकम्मल तौर पर इस पे काबू नहीं पा सकी, ऑल दो उनने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे सामने आ रही है वो ऑनर के रिलेटेड ही है, जहाँ पर ऑनर की मैजिक सीरीज़, जो कि मैजिक सीरीज़ को अगर मैं बताऊँ ना तो ऑनर की दो सीरीज़ आती हैं जो फ्लैगशिप सीरीज़ हैं, एक उनकी मैजिक सीरीज़ है और एक दूसरी सीरीज़ है। और ये जो मैजिक सीरीज़ है जनरली इसके अंदर कुछ अजीब होता है और प्राइस टैग इसका थोड़ा ज़्यादा होता है, तो मैजिक सीरीज़ के अंदर इस बार जो हमें लीक देखने को मिल रही है वो है एक पेंटा कैमरा सेटअप। और ये लीक कहाँ से आ रही है, ये लीक आ रही है सीधा सीधा CEO साहब की तरफ से।
तो दिस गाय इन द पिक्चर इज एक्चुअली ऑनर के सीईओ, और इनने जो है हमें दिखाया है कि भाई ये है ऑनर का नया मैजिक फोन जिसका नाम मैजिक 3 है। मैजिक 2 आई रिमेंबर फोन था जो कि चारों साइडों पे कर्व था, तो इस तरह की जो चीजें हैं मैजिक सीरीज में हम देखते रहते हैं। और एक और चीज जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी अ फ्लैगशिप फोन, तो इसके अंदर स्पेसिफिकेशन आप फ्लैगशिप टाइप की एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो कैमरा है वो भी काफी इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर आप बैक साइड पे देखते हैं तो जितने भी कैमराज हैं सारे गोल हैं, जबकि आपको ये बात देखने को नजर आती होगी कि जो भी मोबाइल फोन आजकल पेरिस्कोप कैमरा के साथ आ रहा है यानी कि बहुत ज्यादा जूम के साथ आ रहा है वो स्क्वायर कैमरा में आ रहा है। तो या तो ये सैमसंग वाला काम किया है कि गोल कैमरा है लेकिन अंदर से स्क्वायर है, या फिर इसके अंदर कोई नई चीज़ आ रही है। तो देखने में आएगा क्या होता है, क्योंकि पहले हमें पता लग जाता था हुआवे एक टेक्नोलॉजी लॉन्च करती थी ऑनर उसको सस्ते में लॉन्च कर देती थी, अब दोनों कंपनी सेपरेट हैं तो हो सकता है कि ये बिल्कुल ही कोई नई चीज़ ले आए जो हमने इससे पहले ना देखी हो। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे सामने आ रही है वो मी मिक्स 4 और उसके अलावा मी पैड 5 के रिलेटेड है। बेसिकली मी मिक्स 4 के बारे में खबर आ रही है कि मी मिक्स 4 जल्द ही लॉन्च हो सकता है। अब जिनको नहीं पता कि मिक्स क्या है, तो बेसिकली मिक्स शाओमी का ऑल इन ऑल एक्सपेरिमेंटल फ़ोन है। तो जब भी शाओमी ने कुछ क्रेजी करना होता है तो हमें मिक्स सीरीज़ में देखने को मिलता है। इनका जो फोल्डेबल फ़ोन था वो भी मिक्स फोल्ड के नाम से आया था, और इनने वो जो बग़ैर बेजल के फ़ोन लॉन्च किया था वो भी मिक्स सीरीज़ में आया था। और अब मिक्स सीरीज़ 4 जो है वो सामने आ रहा है, जिसके अंदर कहा यह जा रहा है कि इसके अंदर आपको एक तो MIUI 13 जो है वो आएगी, और उसके बाद बाकी चीज़ें भी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, लेकिन इसके अलावा ज़्यादा डिटेल्स हमारे पास नहीं है, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। उसकी रीज़न ये है कि जनरली Xiaomi के फ़ोन बड़ी जल्दी लीक हो जाते हैं, लेकिन ये जो क्रेज़ी फ़ोन है जिसका लीक होना बनता था उसके बारे में हमारे पास डिटेल मौजूद नहीं है। फाइनली जो WhatsApp का व्यू वंस वाला फीचर है, ये फीचर अब आईफोन के ऊपर इस टाइम पर काम करना शुरू हो गया है। तो जिस तरह स्नैपचैट के ऊपर अक्सर अवकात आप मैसेजेस भेजते हैं और अगला बंदा उसको जैसे ही ओपन करता है उसके बाद वो वैनिश हो जाता है, ये वाला फीचर व्हाट्सएप लेकर आ रही है। हमने काफ़ी टाइम पहले इस पर एक वीडियो भी की थी, लेकिन अब ये जो फीचर है रोल आउट होना शुरू हो गया। और आपको पता है कि व्हाट्सएप आहिस्ता आहिस्ता रोल आउट करती है, तो पहले आईफोन पे वो कुछ लोगों को मिलता है, फिर आईफोन में सबको मिलता है, फिर जनरली एंड्रॉयड पे आता है। तो अभी ये जो है नॉर्मल लोगों को, जो नॉर्मल लोग हैं उन तक पहुंच रहा है, और जल्द ही आप लोगों को भी एज अ अपडेट देखने को मिल जाएगा। मुझे बताइएगा कमेंट्स के अंदर कि आपको ये वीडियोज़ कैसी लगती हैं, न्यूज़ वीडियोज़ कैसी लगती हैं, और मुझे ये भी बताइएगा कि इफ़ यू वॉन्ट कि मैं इस सारे सिनेरियो में कुछ चेंज करूं। मुझे ये बात पता है कि वीडियोस लेट अपलोड हो रही हैं, बट उसके पीछे रीज़न सिंपल सी ये है कि हम एक्सक्लूसिव पर एक्सक्लूसिव कर रहे हैं। और भाई जब आप एक ऐसा फ़ोन अपने हाथ में पकड़ के उसकी वीडियो बना रहे होते हो जो दुनिया में सबसे पहले आप कर रहे हो, तो भाई हाथ भी कांपते हैं थोड़े से, ऑनेस्टली आपको जिम्मेदारी फील होती है, स्पेशली आप अपने आप को नहीं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, तो वो बड़ी बात है। बट थैंक यू एवरीवन जिसने सपोर्ट किया इस पॉइंट तक। और अगर आपको ये न्यूज़ वाला चैनल पसंद आ रहा है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सेपरेट चैनल है। किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।